हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द सेवेंथ लेक्चर तो ये मेरा सिक्सटी सेवेंथ लेक्चर है ऑफ आर वन थाउजेंड एम सीरीज एंड आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी की पीजीटी की या नेट की या कोई भी दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस एज ए सब्जेक्ट है तो उस केस में ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा तो जरूर इससे पढ़िएगा ठीक है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इसको शेयर करिएगा राइट और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर भी है कि मेरा गला काफी खराब है ठीक है बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो तो हेडफोन का यूज़ करके ये लेक्चर वीडियो सुनिएगा ठीक है क्योंकि मेरी आवाज़ अभी एकदम पूरी तरीके से क्लियर नहीं है पिछले छह दिन से मेरा गला खराब है बट अब थोड़ा सा बेटर है इसलिए आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ठीक है तो हेडफोन लगा के ये लेक्चर वीडियो सुनिएगा ठीक अच्छा एक चीज़ और है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ बताया करिए कि आप लोग किन शहरों के हैं आप कहाँ रहते हैं किस स्टेट के हैं या किस शहर के हैं वो भी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए इससे मुझे भी आइडिया लगता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं के मतलब स्टूडेंट्स मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं ठीक तो है तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करिए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म ऑफ ई पी सी जी इज ई पी सी जी इंटरनेशनल बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ई पी सी जी इसका आपको फुल फॉर्म बताना है ठीक है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड क्रेडिट गारंटी दूसरा है अर्निंग प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड क्रेडिट गुड्स ठीक है तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है फुल फॉर्म ऑफ दिस टर्म ईपीसीजी इंटरनेशनल बिजनेस में ये जो टर्म यूज होता है ईपीसीजी इसका फुल फॉर्म क्या है ठीक है तो आपको बता देती हूं ये जो ईपीसीजी ये जो टर्म है इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी इसका फुल फॉर्म क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी अब ये होता क्या है तो एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन यानी एक्सपोर्ट के प्रमोशन से रिलेटेड कुछ है एंड क्रेडिट गारंटी तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी ये एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ठीक है थेके? जिनका काम क्या है जिनका काम है कि कॉम्पिटेटिवनेस जो इंडियन एक्सपोर्टर्स या जो इंडियन एक्सपोर्ट है उसमें कॉम्पिटेटिवनेस को और ज्यादा बढ़ाएं ठीक है और क्रेडिट इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करें यही है ना क्रेडिट गारंटी यानी क्रेडिट इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करें ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि एक्सपोर्ट को और ज्यादा प्रमोट करना कॉम्पिटेटिवनेस को और ज्यादा बढ़ाना और इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करना ठीक है क्रेडिट इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करना दिस इज द पर्पज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया ई क्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी ठीक अच्छा एक चीज और है आ, जैसे मैं बुक्स में देख रही थी और नेट पे भी सर्च किया ईपीसीजी के दो फुल फॉर्म है रिलेटेड विद इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस में दो टर्म्स ऐसे हैं जिनका जो शॉर्ट नेम है दैट इज ईपीसीजी ठीक है पहला तो ये है जो एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी और यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एक तो ये है दूसरा एक और इसका फुल फॉर्म है वो भी आपको पता होना चाहिए ठीक है वो क्या है दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कैपिटल गुड एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कैपिटल गुड ठीक है तो अगर सपोज करिए इस एग्जाम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाए ऑप्शन सी नहीं रहता तो उसकी जगह ये भी कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है कि एक, इसका फुल फॉर्म तो वो एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कैपिटल गुड भी होता है ठीक है और ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है ये सेम कॉन्सेप्ट नहीं है ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कैपिटल गुड दिस इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस इज अ स्कीम ये क्या है ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की एक स्कीम है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कैपिटल गुड इज़ अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है क्या है इस स्कीम में कि इवन ये थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया है ई ठीक है ईपीसीजी का एक और फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कैपिटल गुड और ये क्या है ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की जिसके तहत जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ठीक है जो एक्सपोर्टर्स होते हैं जो अपना सामान मेन प्रोडक्ट बना के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे वो अगर कोई कैपिटल गुड इंपोर्ट करते हैं ठीक है कैपिटल गुड अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूं कोई कैपिटल गुड इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं ठीक है और इस कैपिटल गुड का वो यूज करेंगे इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक है प्रोडक्शन प्रोसेस में इस इनपुट को इस रॉ मटेरियल को इस कैपिटल गुड को यूज करेंगे और मेन फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे ठीक है तो उसमें क्या होता है कि उन, उनका जो टैक्स होता है जो कस्टम ड्यूटी होती है वो जीरो होती है ठीक है वही लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट ठीक है तो वही है कि उस पर अगर कोई एक्सपोर्टर ठीक है इंडिया का इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया का कोई एक्सपोर्टर अगर कोई कैपिटल गुड इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है बाहर से मंगा रहा है और इस कैपिटल गुड को अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज करता है प्रोडक्शन में यूज करता है और फाइनल प्रोडक्ट बनाता है और उसको एक्सपोर्ट करता है तो इस कैपिटल गुड पे जो टैक्स है दैट वुड बी मतलब दैट वुड बी जीरो टैक्स नहीं लगेगा ठीक है ये एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ये पॉलिसी ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी तो इसी को कहा गया एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड ठीक है बट यहाँ पे चारों ऑप्शन में से है नहीं बट आपको पता होना चाहिए ठीक है तो ईपीसीजी का एक और फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड ठीक बट यहाँ पे फिलहाल आंसर कौन सा सही है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक और ये जो ईपीसीजी के मैंने दो फुल फॉर्म आपको बताए हैं दोनों कॉन्सेप्ट एकदम अलग अलग हैं ठीक है एक क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा क्या है स्कीम है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं तो एस सी जेड है वो अनाउंस किस ईयर में हुआ था ईयर 2000 2005 1956 या नाइनटीन ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आपको एस सी जेड ईपी जेड ये थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ तो एस सी जेड का फुल फॉर्म क्या होता है वैसे फुल फॉर्म तो आपको पता होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस सी जेड का फुल फॉर्म क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एस सी जेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो इंडिया जो है इंडिया इज द फर्स्ट इन एशिया इंडिया जो है एशिया में पहली कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज किया द इफेक्टिवनेस ऑफ ई पी जेड EPZ की जो इफेक्टिवनेस है EPZ जो मॉडल है उसकी इफेक्टिवनेस की वो कितना ज्यादा यूजफुल है इसकी इंपॉर्टेंस को सबसे पहले एशिया में जिस कंट्री ने समझा वो था इंडिया और इसी के तहत एशिया का जो पहला EPZ, अच्छा EPZ का फुल फॉर्म तो मैंने बताया नहीं ईपीजेड का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ठीक है तो इसी के तहत एशिया का जो सबसे पहला जो ईपी जेड था दैट वॉज इस्टैब्लिश इन कांडला जो गुजरात में जो कांडला है वहां स्टैब्लिश हुआ 1965 में ठीक है और इस ईपीजेड का पर्पस क्या था ईपीजेड का पर्पस था कि जो भी कमियां है जो भी शॉर्टकमिंग्स है एक्सपोर्ट से रिलेटेड ठीक है एक्सपोर्ट में जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंट्रोल है ठीक है बहुत सारे लेवल्स हैं बहुत सारे क्लियरेंस लेने होते हैं और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था उस टाइम तो उन सब शॉर्ट को रिमूव करना ओवरकम करना दिस वॉज द पर्पज ऑफ ई पी का यही पर्पज़ है यही पर्पज़ था ठीक है और फिर उसके बाद जो है पहले ईपी का कॉन्सेप्ट आया और फिर उसके बाद जो है और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया में और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए तो इसके लिए फिर बाद में एस की पॉलिसी अनाउंस की गई एस की पॉलिसी अनाउंस की गई और सबसे पहले कब अनाउंस की गई सन दो में एस की पॉलिसी अनाउंस की गई थी ठीक है तो अगर कहा जाए कि एस सी जेड वॉज अनाउंसड इन ईयर किस ईयर में अनाउंस हुआ है तो सबसे पहले एस अनाउंस किया गया था ईयर टू में और इसी के तहत फिर बाद में आया एस एक्ट आया था एस सी जेड एक्ट टू ठीक है और फिर उसके बाद आया था एस सी जेड एक्ट टू और इस एक्ट का पर्पस क्या था इस एक्ट का पर्पस नहीं मेन ऑब्जेक्टिव कह लीजिए इस ये जो एस सी जेड एक्ट आया था इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़े ठीक है इंडिया में जो एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है बाहर उसका और ज्यादा प्रमोशन हो ठीक है और जो इन्वेस्टमेंट है चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो चाहे फॉरेन सोर्स से इन्वेस्टमेंट हो इन्वेस्टमेंट और बढ़े एम्प्लॉयमेंट बढ़े इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव हो ठीक है तो ये सारे पर्पज थे एस एक्ट के एस सी जेड एक्ट टू के तो एस सी जेड पॉलिसी सबसे पहले कब आई ठीक है सन 2000 में तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि दिस इज द लिस्ट लिस्ट ऑफ ऑफ सब्जेक्ट सब्जेक्ट ये वो लिस्ट सब्जेक्ट है एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं अपने चैनल पे आज की तारीख यानी अगस्त 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ अगर ये वीडियो कुछ महीने बाद देख रहे हैं कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट एड हो चुके होंगे ये अभी तक है अगस्त दो तक तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा सबकी सेपरेट प्ले मैंने अपने चैनल पर बनाई है तो जरूर इनकी हेल्प से पढ़िएगा ठीक है और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे चैनल पे अगर 100 बच्चे मेरे चैनल पे वीडियो देखते हैं तो उसमें केवल 30 बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसा मत करिए हमें मोटिवेट करते रहा करिए ठीक है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए और शेयर जरूर करिए और अगर लगे कि इस लेक्चर से आपने कुछ सीखा है तो लाइक करना भी मत भूलिएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इन इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस में अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड टर्न की प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट को टर्न की प्रोजेक्ट कहेंगे बिकॉज क्योंकि पहला ऑप्शन दिया गया है द लाइसेंसर एंड द लाइसेंसी ज्वाइंटली कैरी आउट द प्रोजेक्ट एंड अग्री टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली एंड हैंड ओवर द की ठीक है दिस इज द ऑप्शन फर्स्ट दूसरा है द लाइसेंसर स्टार्ट द ऑपरेशन एंड हैंड ओवर द कीज ऑफ द ऑपरेटिंग प्लान टू द लाइसेंसी ये सेकेंड ऑप्शन है दूसरा है लाइसेंसर स्टार्ट द ऑपरेशन एंड देन इनवाइट द लाइसेंसी एंड हैंड ओवर द की टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ये तीसरा ऑप्शन था और चौथा है जो लाइसेंसी है अग्री टू कंस्ट्रक्ट एन इंटायर प्लान इन इट्स होम कंट्री ठीक है तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं आपसे पूछा जा रहा है कि कोई जो प्रोजेक्ट होगा उसको टर्न की प्रोजेक्ट क्यों कहेंगे ठीक है तो टर्न की प्रोजेक्ट मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ही बता चुकी हूँ कि ये जो टर्न की प्रोजेक्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम में करके जाइएगा अलग अलग तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं ठीक है एक तरीका ये है कि, कि ये पूछा गया है ना यहाँ पे कि, कि किसी प्रोजेक्ट को टर्न की प्रोजेक्ट क्यों कहेंगे तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऐसी पिछले वीडियो में भी मैंने टर्न की प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है ठीक है तो पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं टर्न की प्रोजेक्ट आपको समझ में आ रहा है तो चाहे जैसे भी पूछा जाए यू कैन वेरी इजली आंसर ठीक है तो इस कॉन्सेप्ट को करके जाइएगा तो चलिए मैं थोड़ा सा टर्न की प्रोजेक्ट के बारे में बता देती हूँ तो टर्न की प्रोजेक्ट एक तरीके का प्रोजेक्ट होता है जहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सोल वो बेचता है बायर को एक कंप्लीट प्रोडक्ट एक कंप्लीट प्रोजेक्ट विच इज रेडी टू यूज जो ऑपरेटिंग कंडीशन में हो विच इज रेडी टू यूज इमीडिएटली अगर जो लाइसेंसी कह लीजिए या कह लीजिए बायर है वो अगर उस प्रोडक्ट को अभी यूज करना है उसे ठीक है इमीडिएट यूज करना है तो वैसी कंडीशन में जो लाइसेंसर लाइसेंसर होता है लाइसेंसर कह लीजिए चाहे कॉन्ट्रैक्टर कह लीजिए वो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट को डिलीवर करता है जिस पे आप कोई काम नहीं करना है ठीक है तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम कहते हैं टर्न की प्रोजेक्ट ठीक है project, और टर्न की प्रोजेक्ट जनरली जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है उनको ट्रांसफर करने में टर्न की प्रोजेक्ट यूज किए जाते हैं ठीक है थीके? जहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर है ठीक है कॉन्ट्रैक्टर कह लीजिए या लाइसेंसर कह लीजिए वो एकदम कंप्लीट रेडी प्रोडक्ट ठीक है बायर को बेचता है ठीक है तो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें टर्न की प्रोजेक्ट कहते हैं जबकि जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं ठीक है जो नॉर्मल जो है बिल्ड टू ऑर्डर प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो बायर को बायर जैसा बताता है वैसा कॉन्ट्रैक्टर सामान बनाता है और एक इनकम्प्लीट स्टेज में कह लीजिए एक इनकम्प्लीट प्रोडक्ट जो है वो बेचता है और बाकी काम जो है बायर उसको मतलब फिनिश करता है और फिर रेडी मतलब ऑपरेट करने के लिए उसे इंस्टॉल करना और बाकी फंक्शनिंग जो है वो बायर करता है ठीक है तो वो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं बट ये टर्न के प्रोजेक्ट है यहाँ पे रेडी टू यूज यानी एक ऑपरेटिंग कंडीशन में कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोजेक्ट जो है डिलीवर किया जाता है टर्न की में तो अब मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं इन चारों ही ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जो लाइसेंसर है वो स्टार्ट करता है ऑपरेशन ठीक है एंड हैंड ओवर द की जो कीज है ऑपरेटिंग प्लांट की एक खास टर्म यहां पे यूज हुआ है ऑपरेटिंग प्लांट यानी जो प्रोजेक्ट है दैट इज रेडी टू यूज वो ऑपरेटिंग कंडीशन में है तो ऑपरेटिंग जो प्लांट है उसकी जो चाबी है वो लाइसेंसी को देता है तो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड टर्न की प्रोजेक्ट जहां पे जो प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा है वो रेडी टू यूज इमीडिएटली यानी अभी तुरंत अगर यूज करना है तो आप तुरंत उसका ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं तो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो टर्न के प्रोजेक्ट होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है वो इसी मेथड के थ्रू ट्रांसफर की जाती है ठीक है तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर राइट तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में मेरा गला काफी खराब है तो प्लीज सपोर्ट करिए ताकि मैं इसी तरीके से वीडियो लाती रहूं ठीक है गॉड ब्लेस यू अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में